हमारा नन्ना मुन्ना पॉकेट कब छोटे पपी से बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। पॉकेट तू ना देखते ही देखते कितना बड़ा हो गया। अब तू बड़ा हो गया है, अब तू नॉटी नहीं गुड बॉय बन के रहना, पर तू है तो नॉटी पॉकेट। तू ना मेरा नॉटी पॉकेट है, मेरा नॉटी पॉकेट। आ गए दोनों मस्ती करके? हाँ मम्मी। आ जाओ। चलो पॉकेट। हाँ साक्षी दीदी। हाँ आशु, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है क्योंकि 3 अक्टूबर को पॉकेट की वैक्सीनेशन की डेट आ रही है। ठीक है दीदी, मैं पॉकेट को उस दिन ले आऊंगा। बेटा, पॉकेट की वैक्सीनेशन की डेट आई है? हाँ मम्मी। अच्छा, तो तुम उसे ले आना। ठीक है दीदी, बाय बाय। 3 तारीख को नोट कर लेता हूँ वरना भूल जाऊंगा। पॉकेट, इंजेक्शन बड़े आराम से लग जाएगा, तुम्हें दर्द भी नहीं होगा। गुड बॉय। पॉकेट चल घूमने चलते हैं। पॉकेट ऑलरेडी इतना सुसु कर चुका और कितना करेगा। पॉकेट मैं स्कूल से आगे, चल खेल।
आशु बेटा क्या सोच रहे हो? मम्मी मुझे ना साक्षी दीदी का फोन आया था पॉकेट की वैक्सीनेशन के लिए। मैंने ना वो डेट कैलेंडर पे लिख दी थी, ना ही मुझे वो डेट याद आ रही है और ना ही मुझे वो कैलेंडर मिल रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया। अरे यही तो था। हाँ बेटा एक काम करो, साक्षी को फोन करके ही पूछ लो। ठीक है मम्मी। क्या कर रहा है पॉकेट? क्या हो गया इसे? पता नहीं आज इतना अजीब रिएक्ट क्यों कर रहा है। हाँ साक्षी दीदी। आशु तुम पॉकेट को वैक्सीनेशन के लिए क्यों नहीं लेके आए? दीदी मेरे दिमाग से ही निकल गया कि पॉकेट को कौन से दिन को लेके आना है। हम उसे आज लेके आ जाएं क्या? हाँ ठीक है, तुम उसे आज लेके आ जाओ। ठीक है दीदी, हम उसे लेके आते हैं। पॉकेट पता नहीं कहाँ चला गया। मम्मी चलो पॉकेट को वैक्सीनेशन के लिए लेके जाना है। हाँ बेटा चलो चलते हैं। पॉकेट 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 पता नहीं पॉकेट कहाँ चला गया। हाँ बेटा कहीं नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं आजकल इतना जीप बिहेव क्यों कर रहा है ये। हाँ डरा डरा और सुस्त सा भी रहता है। पक्का बेड के नीचे होगा। हाँ देख तो। मम्मी जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? मैंने गैस पे दूध रखा था। जाओ जाके देखो। अरे दूध तो जल भी गया होगा। कौन? मम्मी। हाँ बेटा। कैलेंडर गायब हो गया। फोन किया तो मुझ पे अटैक हो गया। हाँ यहाँ तक कि जब उसे लेके जा रहे थे तब वो गायब हो गया। हाँ इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? ये कि ये सब पॉकेट ने जान पूछ के किया है ताकि वो वेट ना जा सके। हाँ बेटा अब तो मुझे भी यही लग रहा है। मम्मी हमें कुछ करना होगा। हाँ देखो मम्मी ये पॉकेट ना खुद ही आ गया। पॉकेट हमें सब पता चल चुका है, ये सब तूने जान पूछ कर किया है। रुक जा मैं अभी के अभी ना साक्षी दीदी को फोन कर रहा हूँ ताकि वो आके तुझे इंजेक्शन लगाए। अब तो तू गया, अब तू नहीं बचेगा बेटा। हाँ आशु। साक्षी दीदी आप पॉकेट की वैक्सीनेशन करने घर पे आ सकते हो क्या? एक मिनट मैं चेक करके बताती हूँ। हाँ मैं 3 बजे के बाद फ्री हूँ, तब आती हूँ। ठीक है दीदी थैंक यू। थैंक यू दीदी कि आप पॉकेट की वैक्सीनेशन करने के लिए घर पे ही आ गए। देखो ना कितना शरारती हो गया ये, इतने टाइम से वैक्सीनेशन से बचने के लिए ना ड्रामा कर रहा था। डोंट वरी आशु मैं इसकी वैक्सीनेशन कर देती हूँ। ए पॉकेट, अरे पॉकेट पकड़ो इसे। ए पॉकेट नहीं पॉकेट, मम्मी पकड़ो इसे, पकड़ो पॉकेट, पकड़ो इंजेक्शन लगा। रुको अरे पॉकेट, अरे अरे पॉकेट पॉकेट, अरे पॉकेट, अरे पकड़ लिया, पकड़ लिया मैंने इसे, पकड़ लिया। रुको इसे इंजेक्शन लगा, इंजेक्शन लगा। अरे पॉकेट प्लीज, रुको रुको पॉकेट, रुको पॉकेट, पकड़ो इसे पॉकेट, पॉकेट इंजेक्शन लगवा लो। रुको रुको, अरे को पॉकेट इंजेक्शन, अरे इंजेक्शन लगवा लो। ओके अरे अरे पॉकेट पॉकेट पॉकेट, पकड़ो इसे पॉकेट, बेड के नीचे घुस गया। इंजेक्शन लगवा लो, बाहर बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, एक बार लगवा लो प्लीज प्लीज प्लीज। पॉकेट पॉकेट पॉकेट, अरे पकड़ो इसे, अरे अरे मम्मी मैंने इसे गर्दन की तरफ से पकड़ता हूँ, अब इसकी टांगे पकड़ो। हां हां
दीदी से इंजेक्शन लगाओ। हाँ। रुको, अरे अरे पॉकेट पॉकेट लगाओ, इंजेक्शन लगवा लो एक बार, लगाओ लगाओ। अरे पॉकेट भाग गया। मम्मी क्या हुआ? मम्मी चलो, पॉकेट को घुमाने का टाइम हो गया है। पॉकेट देख, तूने मम्मी की क्या हालत कर दी है। चलो चलो चलो, लेट हो रहा है हमें। चलो पॉकेट, क्या हो गया है तुझे, बता ना। तू इतना जीबीएफ क्यों कर रहा है? तुझे पता ना कल तेरी वजह से मम्मी देख पॉकेट, तेरे लिए ना वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। हाँ पॉकेट, तेरी अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है बेटा। हाँ, और तुझे पता है आजकल ना न्यू इंजेक्शन आए, उससे ना दर्द भी नहीं होती। पॉकेट, तुझे पता है ना तू गुड बॉय है, फिर तू बैड बॉय वाली हरकतें क्यों कर रहा है? हाँ पॉकेट बेटा, और हम तुझे कितना प्यार करते हैं, तभी तो तुझे वैक्सीनेशन के लिए बोल रहे हैं। हाँ बेटा। पॉकेट प्लीज, हमारे लिए, हमारे लिए तू वैक्सीनेशन करा ले पॉकेट। अरे पॉकेट कहाँ गया? पॉकेट पॉकेट पॉकेट, मम्मी ये पॉकेट कहाँ चला गया? शायद घर चला गया होगा। चलो मम्मी जाके देखते हैं। चलो। पॉकेट पॉकेट मम्मी पॉकेट तो घर पे भी नहीं है। बेटा टेंशन मत लो, तुम रूम में जाके देखो, मैं सोफा के नीचे देखती हूँ। हाँ मम्मी। पॉकेट पॉकेट, मम्मी पॉकेट तो रूम में भी नहीं है, अब पता नहीं कहाँ चला गया। बेटा उस रूम में जाके देखते हैं। हाँ चलो। पॉकेट पॉकेट पॉकेट, मम्मी पता नहीं कहाँ चला गया, ये कहीं नहीं दिख रहा है। हेलो, क्या आंटी? मैं क्लिनिक में थी और राजू ने मुझे बताया कि क्लिनिक के बाहर कोई डॉग है। मैंने जाके देखा तो पॉकेट था। इसे देख के तो मैं हैरान हो गई, ये अकेला यहाँ पे कैसे आ गया? डोंट वरी, मैंने इसकी वैक्सीनेशन कर दी है और इसने भी आराम से इंजेक्शन लगवा लिया। साक्षी हम तो डरी गए थे कि पॉकेट कहाँ चला गया। सच में अच्छा हुआ कि आपने फोन कर दिया, वरना तो हम इसे ढूंढ ढूंढ के ना पागल ही हो गए थे। पॉकेट तू ना नॉटी के साथ साथ स्मार्ट भी हो गया है, पर आगे से ऐसा कुछ मत करना। चले मम्मी? चलो बेटा। चले पॉकेट। काफी सारे लोग अब भी हमें पूछते हैं कि हमारे हर डॉग का नाम पॉकेट क्यों है। ये जानने के लिए हमारी स्मॉल पॉकेट फिल्म जरूर देखें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारा ये नॉटी पॉकेट आपको कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हमें कौन से न्यू टॉपिक्स पे वीडियोस बनानी चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मी।